हाय मनोज, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलो। अच्छा, क्वेश्चन हमने भेजा है मनोज, थोड़ा सा आपको इसको सीधा करना होगा। एक सेकेंड। हाँ चलो, हमने सीधा कर लिया है फोटो को। बताओ अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फोटो को हेलो हेलो। जी मनोज, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो। ये सी नंबर नहीं बन रहा। अच्छा, सी नंबर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो, आपको तो फिगर ऊपर के तो कुछ स्टेटमेंट, तो मतलब केस दिया हुआ है ऊपर में ना, कि आपके पास फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एक पी पॉइंट से रूफ का मतलब ऊपर का जो एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड के ऊपर वाला जो है वो आपका है 45 डिग्री का, तो भी आपको फिगर में वहां पे शो किया गया है। द पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो नीचे से 24 मीटर डिस्टेंस में है। अब सी नंबर में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड के ऊपर से कितना डिस्टेंस होगा। तो उसी को थोड़ा सा ना हम देखते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। मतलब पूरा फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे, जस्ट बेसिक जो जो हमें चाहिए वही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पे हम बड़े सा लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे काम करते हैं। साइन बोर्ड को ना थोड़ा अलग कलर ले लेंगे हम, तो यहाँ से ही काम करते हैं हम, इसको थोड़ा और अलग कलर कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि साइन बोर्ड कहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपका साइन बोर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइन बोर्ड हो गया, ऊपर आपका रूफ हो गया। अब हम पी पॉइंट कहाँ पे लेंगे सर? पी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। पी पॉइंट आपका ये हो गया मान लो। तो पी पॉइंट से आप एक बार कहाँ पे देख रहे हो? रूफ पे देख रहे हो। एक बार आप देख रहे हो साइन बोर्ड के टॉप पे। तो ये दो आपका एलिवेशन बना। पहला एलिवेशन बोला था कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बोला था ना, तो ये आपका 30 डिग्री वाला हो गया। और दूसरा एंगल आपको बोला था 45 डिग्री का। हाँ, तो ये पूरा सा एंगल आपका 45 डिग्री एंगल हो गया। तो ये आपका बेसिक डेटा था, ठीक है ना। अब और एक चीज आपको बोला है कि नीचे का जो डिस्टेंस है दैट इज 24 मीटर। ये आपको बोला है कि आपका 24 मीटर। अब पूछा क्या गया है? पूछा आपको ये क्या है कि अगर हम नाम देते हैं ए बी करके, ए बी सी कर लेते चलो इसमें, तो आपको ये पूछा गया है कि पी ए का वैल्यू क्या होगा। पी ए मतलब क्या होगा सर? साइन बोर्ड का ऊपर तक जो लाइन बना है ना पी से, उसका ही हाँ आपको चाहिए। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड के ऊपर से पी का जो डिस्टेंस है आपको पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ऊपर वाला लाइन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी ए का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो कैसे करोगे? तो उसको निकालने के लिए हम बाकी को क्यों देखें? हमें अगर ऊपर को निकालना है, हम बाकी को क्यों देखें? देखना पड़ेगा, देखना, बोलो देखना पड़ेगा? नहीं नहीं देखना पड़ेगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अगर नहीं देखना है तो क्यों रखना है हमें उसको? आपको फिगर में है, बट अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बात क्लियर है ना? इस क्वेश्चन के हाँ लिए मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, आप देखो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हमें पता है कि आपका थीटा है। कौन सा थीटा है सर, बोलो? टेन कौन सा थीटा थीटा है? फोर थर्टी टेन फोर थीटा। हाँ हाँ, 10 45, 10 45 ले सकते हो। बट यहाँ पे एक बट है, आप यहाँ पे टेन ले सकते हो, साइन कॉस कुछ भी ले सकते हो, बट लेना कौन सा है ये तो दिक्कत है ना। देखो, लेना कौन सा हाँ है ये आपको पता, ये चलेगा कहाँ से चलेगा कि आपके पास देखो यहाँ पे 24 मीटर ये आपको पता है, और आपको हाँ निकालना है ऊपर वाला, ये वाला साइड निकालना है। तो ये वाला साइड है क्या, ये तो पहले आपको देखना है। हमें ये पता है कि ये आपका पापेंडिकुलर होता है ना पी, ये नीचे वाला साइड आपका ओके बेस होता है, ये आपका बेस हाँ होता है, और ये वाला साइड आपका हाइपोटेनस होता है, राइट, एच होता है। तो अगर अगर आपको क्या निकालना है आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना है सर, आपको ऊपर वाला लाइन का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर वाला लाइन मतलब हो गया हाइपोटेनस, तो आपको निकालना है हाइपोटेनस, और आपके पास अवेलेबल है बेस, आपके पास अवेलेबल है बेस, तो हाँ हाइपोटेनस निकालना है, बेस आपका अवेलेबल है, तो इन दोनों के ऊपर बेस करके कौन सा रेशियो आता है? हाइपोटेनस और बेस को लेके हम क्या रेशियोज लेते हैं? दो रेशियोज लेते हैं, या तो आप ले सकते हो कॉस थीटा, या फिर आप ले सकते हो सेक थीटा, है ना। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके पास क्या क्या है, इसके ऊपर बेस करोगे ना। आप बोल रहे थे टेन थीटा, टेन थीटा तब लेते हैं आप जब पारपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से आपको सोचना होता। अब यहाँ पे तो पारपेंडिकुलर और बेस आपका है नहीं, आपके यहाँ पे पास है हाइपोटेनस और बेस, है ना। आपको हाइपोटेनस निकालना है और बेस आपके पास अवेलेबल है, तो हम इन दोनों के ऊपर बेस करेंगे, सोचेंगे ना। तो इसके ऊपर बेस करके दो ही चीज होता है, या तो आपको लेना है कॉस थीटा, या तो आपको लेना है
सेक थीटा, दोनों में से हो, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच होता है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका 45 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, बेस आपको पता है 24 सॉरी, और हाइपोटेनस मतलब आपको पीए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो पीए का वैल्यू अगर निकालना है तो पीए क्या हो जाएगा सर, पीए हो जाएगा 24 ऊपर नीचे कॉस 45 का वैल्यू। देखो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ आपको समझ, ठीक है। तो 24 cos 45 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 by √2, क्या होता है 1 by √2, जी। तो 1 by √2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 √2 मीटर था या सेंटीमीटर था, एक बार देख लेना, मीटर था आई थिंक, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा आंसर, आप चेक कर लो और देखो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हाँ यही है। आपको समझ में तो आ गया ना, चेक कर लो आप, हाँ आ गया है, एक और आ समझा दिए गया ऊपर वाला, ये वाला पी बाई बी वाला पी कैसे। बाई बी वाला। अच्छा देखते हैं इसको, थोड़ा नीचे लाते हैं, फिर पी बाई बी वाला ना, हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, ये हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड। अच्छा वो पी वाई बी वाला नहीं होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड मतलब देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ऐसे क्या था ना, हाँ तो साइन बोर्ड का हाइट मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये साइन इतना सा डिस्टेंस है ना, ये आपका हाइट है, हाइट ऑफ द बोर्ड है ना, ये आपका हाइट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा। तो आपको इतना सा डिस्टेंस, अब इतना सा डिस्टेंस निकालने के लिए आप किसी एक से तो नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पे आपको दोनों को इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है सर, दोनों को इस्तेमाल करना है। हाँ कैसे है? देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा, पहले तो बड़े ट्राइंगल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बड़े वाला ट्राइंगल मतलब एकदम बोर्ड के ऊपर तक, उस हाँ ट्राइंगल का पापेंडिकुलर निकालना है, फिर आपको छोटे वाला ट्राइंगल का पापेंडिकुलर निकालना है, तो बन क्या हाँ जाएगा देखो, अब जब बड़े का निकालोगे तो ये पूरा डिस्टेंस हम निकाल लोगे, और जब छोटे का निकालोगे तो इतना सा डिस्टेंस हम निकालोगे। अब बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे तो ऊपर वाला ही रह जाएगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। आ गया। बस तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े को निकालेंगे, बड़े को निकालना मतलब टैन का फॉर्मूला लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे पारपेंडिकुलर लेके लेके हम काम करेंगे, नीचे आपके पास बेस है तो बेस और पारपेंडिकुलर को लेके टैन थीटा ही होता है, तो टैन थीटा से हम काम करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे टैन 45 डिग्री, और इसके हिसाब से आपको मिलेगा बड़े वाला, तो उस नाम दे देते, चलो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी कर लेते, यहाँ पे पी पॉइंट था आपका। तो पहले टैन 45 हो जाएगा, बड़े ट्राइंगल को लेंगे तो हो जाएगा देखो पारपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए सी बाई पी सी, ये होगा ना ए सी बाई पी सी, मतलब ये हो गया कि ए सी का वैल्यू जो होगा वो आपका पी सी के साथ सेम हो जाएगा, क्यों, टैन 45 का वैल्यू तो आपका 1 होता है ना, ये वैल्यू हो जाएगा 1, टैन 45 वैल्यू 1, तो पी सी बराबर ए सी हो जाएगा, मतलब ए सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 24 मीटर ही, तो ये आपका ए सी मिल गया। अब आपको दोबारा एक बार लिखना है टैन 30, क्या लिखना है टेन थर्टी, टेन थर्टी का वैल्यू होगा देखो यहाँ पे बी सी होगा ऊपर, ये परपेंडिकुलर होता है नीचे आपका बेस, टेन थर्टी का वैल्यू होता है 1 by √3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 × BC इज इक्वल्स टू 24, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा सर 24 √3। अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हो देखो यहाँ पे √3 √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, तो 24 √3 / 3, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा आपको, 3 8 24, आंसर हो जाएगा 8 √3। अब आपको चाहिए साइन बोर्ड का लेंथ, सो साइन बोर्ड का लेंथ क्या होगा, ए सी से बी सी को माइनस कर देना है, ए सी माइनस बी सी कर देना है, तो हो जाएगा 24 − 8√3। अब यहाँ सब 8 को कॉमन लेके लिख सकते हो, ऐसे 3 − √3 कुछ भी लिख सकते हो आप, देख लो आंसर, देख लो आंसर, ये भी हो सकता है या फिर कुछ इधर उधर भी हो सकता है, या फिर पूरा वैल्यू में दिया हो सकता है √3 का वैल्यू पुट करके, देख लो क्या है, तो उसके हिसाब से बता देंगे आपको। मेन चीज होता है सर कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये बहुत आसान है।
24 बाय रूट 2, 24 बाय रूट 2। 24 बाय रूट 2 क्या बोल रहे हो? ठीक से देखो, ट्वेंटी फोर बाय रूट टू तो नहीं होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय कुछ होगा, उसके बाद नीचे √3 होगा, √2 तो नहीं होगा। हाँ, पीसी इज इक्वल टू 24 बाय रूट 2 मीटर। पीसी, हाँ, पीसी पीसी पीसी, पीसी कहाँ से मिला? हाँ, सही वाला 24 मीटर है इसका तो, ए अच्छा पीसी का तो, पीसी का ए का 24 मीटर है, पीसी जो होगा आपका 24 मीटर, वो तो आपका बेस है, तो गिवन है आपका 24 मीटर। आप ए का लिखाने हैं क्या? नहीं, मैं बी का बोल रहा हूँ, बी का तो इसका बी का टेन ही मीटर है। तो आंसर क्या है? 10 मीटर, पूरा हाँ 10 मीटर है क्या? कुछ अप्रोक्स वगैरह लिया गया है? नहीं, 10 मीटर। एकदम 10 मीटर, 10 पॉइंट समथिंग होगा, अप्रोक्स लिया गया यहाँ पे। एक्चुअली अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग होता है वहाँ पे, अप्रोक्स लिया गया, कुछ नहीं। तो अगर आप √3 का वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 10.14 के आसपास, 10.14 मीटर। तो इसे अप्रोक्स लेके आप 10 लिख सकते हो, 10 मीटर, ठीक है, √3 का वैल्यू पुट करने से। वही मैं बोला कि आपका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या है। देखो अगर आप ये लिख के आते हो ना, 10 ब्रैकेट 3 माइनस √3, वहाँ पे तो आपको बोला नहीं है कि √3 का वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो आप ये भी आपका आंसर सही होगा और यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप √3 का वैल्यू पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 10 मिलेगा आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10, नॉट फुल्ली 10, क्लियर। हाँ चलो आप ए का पूछ रहे थे क्या? मैंने बी का बताया आपको, आपको मैंने पूछा नहीं, पी तो आपने के बोला, तो हाँ बी का पूछा। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है उसका अगर आप बात करो, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपका 24 ही होगा। अगर हाँ हाइट नहीं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा 24 बाय रूट 3, हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा 24 बाय रूट 3, मतलब ए का और का बात करो, ए का जो और वाला पार्ट है ना उसका आंसर होगा। और अगर विद द साइन बोर्ड देखोगे, विद द साइन बोर्ड अगर बात करो, तो वहां पे 24, ओनली 24 होगा, ए का सेकेंड पार्ट आपका ओनली 24 हो जाएगा आंसर। ए का फर्स्ट पार्ट अगर बात करोगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट द साइन बोर्ड, तो वहां पे होगा 24 बाय रूट 3। तो पहला आंसर 24 बाय रूट 3, सेकेंड आंसर विल बी 24, बी का आंसर होगा आपका 10 मीटर, और सी का जो आंसर होगा वो हमने अभी निकाला, उसको आपका आंसर क्या आता है हमारा हाँ एकदम लास्ट का, वो मिला था हमें 24 रूट 2। तो ये आपका पूरा केस हो गया, ठीक है। हाँ चलो और कुछ पूछना है? नहीं ठीक है, चलो फिर टेक केयर, अभी के लिए सेशन एंड करते हैं मनोज, अगर प्रॉब्लम होगा दोबारा कनेक्ट कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।